जो एडिसन ने बनाया था वो आज उसके बारे में हम देखते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक है ये तो होना ही था। एक बहुत कम ऐसी चीजें हमारे जीवन में हम इस तरह से अपनाते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। उसी तरह आज का जो कॉन्सेप्ट है एक ऐसा नायाब कॉन्सेप्ट है कि शायद ही जीवन काल में मेरे जीवन काल में कभी ऐसा हुआ होगा। सच कह रहे कि हमारे जो भारतीय संगीत के जो अलग अलग विधाएं हैं उसमें से एक बहुत जो जिसको सब भजते हैं भजन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि वो आम आदमी उससे दूर नहीं बल्कि और पास आ जाए। इस तरह पास आ जाए कि बच्चों का भी मन करे कि मैं खेलते खेलते कुछ गा लूं और उसे पता ही नहीं चले कि वो भगवान का नाम जप रहा है। द ग्रेट रिच कल्चर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। शाम की शुरुआत होती है तो मैं विनती करती हूँ श्रीमती राशि जी बिरला और बापू जी आए हैं संगीत मार्तन पद्म विभूषण पंडित जसराज जी हमारे फॉर्मर शेरीफ ऑफ बॉम्बे किरण शांताराम जी जो मेरे मामा हैं और श्रीमती बजाज आप मंच पे आए दीप प्रज्वलित करें और आज की संध्या का शुभारंभ करें। Thank you.
रही है, अभी आपको हम बाद में बुलाएंगे। सदस्य यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इस एल्बम पे गाया है, और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो पहले मैं वासव दत्ता जी के बारे में कहना चाहूंगी कि जब वो स्टूडियो में आई तो इतनी अनअज्यूमिंग, इतनी डाउन टू अर्थ लेडी से मैं शायद ही, मुझे याद नहीं आता कि किसी से मैं मिली। जब तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई वो एक मिनट के लिए बैठी नहीं, एंड इट्स अ फैक्ट। और रिकॉर्डिंग शायद हम लोग 3 मिनट में गाना सुनते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करते वक्त कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम लोग करते रहते हैं ताकि उसका एक सब कुछ मिलजुल के वो गाना अच्छा बने। इट वॉज फिनोमिनल। मैं उनको देखते हुए, आप रुकिए जरा, मुझे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, हम लोग कह रहे थे आपको कुछ चाहिए, नहीं नहीं लेट्स गो, लेट्स ट्राई, लेट्स। सो दैट एटीट्यूड, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आई फेल्ट एनरिच्ड। मैंने कहा शी इज द ब्लू ब्लडेड प्रिंसेस, जिसको कह सकते हैं कि प्लीज शी डिजर्व्स अ वेरी बिग हैंड। इसी एटीट्यूड से मुझे लगता है कि आप उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां वो आज है। शी डिजर्व्स दैट, एंड टुडे शी इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, एंड बिफोर दैट, बिफोर शी परफॉर्म्स, आई थिंक देयर इज अ सुपरस्टार हियर इन द फैमिली, एंड शी इज सच अ नेचुरल। वो मूडी भी हैं, क्योंकि सुपरस्टार्स हैव द राइट टू बी मूडी, रियली। एंड बट जब वो माइक के सामने आई तो इस तरह से गा रही थी, केदार यू रिमेम्बर, इस तरह से गा रही थी कि अच्छे से अच्छे प्लेबैक से ऐसा नहीं गा सकते। बजाज एंड वासव दत्ता, बजाज, प्लीज गिव देम वेरी वेरी बिग हैंड।